Welcome to Time News Studios. You are watching 7 p.m. Bulletin. पीटीआई अगवान जहांगीर तरीन तरफा 40 असेंबली मेंबर्स की हिमायत हासिल होने की दावा। जहांगीर तरीन एक भेरों बीहर हुकूमती कमेटी से मुलाकात का इनकार करने है तो असो ग्रुप रुगो वजीर आजम से मुलाकात कौ कुछ दोस्त वजीर आजम से मुलाकात की खातरी कराई है। इस्लामाबाद में थदियों हवाओं घुलियों तो इत्मिनान थो इमरान खान से रिश्तों कमजोर ना थो। लाहौर की अदालत में पेशी बाद मीडिया से ाले जहांगीर तरीन केस में को भी फरियादी शेयर होल्डर ना सब मुँह खुश हैं। हथ ठोकी FIR में FIA के हवाले से का भी गाल शामिल ना। सिविल केस के फौजदारी केस में मुंतकिल वो इं त नवाज लीग भी न कयो हो। सिंध की बिन वन यूनिवर्सिटीज जा VC भी नैब के रिडार से अची व्या। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड सिंध यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर सिद्दीक कलहोड़ो और मेहरान यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर असलम अकेली खिलाफ जांच की मंजूरी दे छी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन नूर मोहम्मद जादमानी कमीशन के मेंबर एजाज अली दुरानी और बेन खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में अगौने सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन गुलाम मुस्तफ़ा फुल खिलाफ रेफरेंस और जांच की मंजूरी दिनी वही। स्टील मिल्स के अगौने चेयरमैन मुइन आफ्ताब खिलाफ सप्लीमेंट्री रेफरेंस दाखिल करने की भी मंजूरी। अगौने डायरेक्टर स्कूल्स कराची अब्दुल वहाब अब्बासी अगौने चीफ कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अली सान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कराची के अगौने अमलदार गुल मोहम्मद जखरानी और मुमताज़ुर रहमान खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दिनी वही। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो बिन महीनन लाए समूरो कारोबार मुअत्तल करने जो हुक्म दे छोड़ो। अदालत कमीशन के चेयरमैन की माफी कबूल कर वरती। सेक्रेटरी की मुअत्तली वारो हुक्म बरकरार। केस की बुधनी दौरान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन नूर मोहम्मद जादमानी सेक्रेटरी अताउल्ला शाह और बया पेश थे। अदालत रिमार्क्स दिना तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बार बार हिदायत कई तो मुलाजमत लाए इंटरव्यूज दींदड़ पास तोड़े फेल उम्मीदवार जो मार्क्स लिखी वन पर अमल न थो। कमीशन सरबरा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स तहत इंटरव्यू वटूँ था। अदालत चेयरमैन का एक उम्मीदवार जो मार्कों पुछियो कमीशन चेयरमैन तोड़े अमलदार जवाब न दे सकया। अदालत बिन महीनन लाए सिंध सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यूज तोड़े मुकर्ररिन ते पाबंदी लगाए छी। जोही दादू के ट्रेजरी और बेन खातन के अमलदार बैंक इंतजामिया से मिली भगत कर 132 जाली अकाउंट्स में पेंशन के नाले करोड़ों रुपया मोकले फ्रॉड किया। सिंध के वे वजीर मुराद अली शाह जो सिंध असेंबली में एतराफ़। वे वजीर एंटी करप्शन जालसाजी में मुलविस अमलदार खिलाफ़ जांच शुरू कर छी है। नैब के भी जांच जो अथों कोशिश है तो सिंध में ऑडिटर जनरल वे निज़ाम में जिंद छड़ाजे। वफाकी घरू वजीर शेख रशीद क्वेटा धमाके के आपघाती हमलों करार दे छो। शेख रशीद चवा है तो होटल की पार्किंग में थियल धमाके दौरान आपघाती बमबार गाड़ी में वेठल हो। धमाके में 60 का 80 किलो धमाकेदार मादो इस्तेमाल कर थो। पाकिस्तान के गैर मुस्तहकम करने की साजिश थी रही है। साजिश में मुलविस अंसर पाकिस्तान की तरक्की न था दिसी सकन। गुजरियल ढी होटल की पार्किंग में थियल आपघाती हमले में 5 जणा मारजी विया हुआ। धमाके जो केस CTD थाने ते दाखिल। वजीर आजम तरफा घरू खाते के धमाके की हर रुख में जांच करे तह ताई पहुंचने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान चवा है कौम दहशतगर्दी के शिकस्त देने लाए वड़ियों कुर्बानियों दिनों हैं। दहशतगर्दी के लहर के बीहर उभरण न डींदास। कौमी असेंबली में ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की जमानत वाली दरख्वास्त इतफाक राय से फैसलो जारी किया। नवाज लीग की नायब सदर मरियम नवाज चवा है तो 10 साल का इंसाफ लाए जिदोजहद कदड़ के नेट इंसाफ मिली वो। शहबाज शरीफ के रुगो नवाज शरीफ से वफा करण के डोह में गिरफ्तार किया वो। कूड़न केसिस से खिदमत जा निशान मिटाए नथा सकजन। शहबाज शरीफ जो मुकाबलो करणो है तो अवाम की खिदमत कर दिखारो। शहर की आबादी से वधण सबब ज़रई ज़मीन घटी रही है। प्लानिंग न होने करे शहर में आबादी बढ़ी रही है। शहर की आलूदगी वो मसलो है। वजीर आजम इमरान खान चवा है तो कोशिश कदासी तो सिंध हुकूमत के बुंडार बेट से शहर अडण लाए राजी कर वूँ। तकरीब के खिताब कदे इमरान खान तो कराची में 40% कच्ची आबादी है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा नज़रसानी केस की बुधनी जस्टिस मुनीब अख्तर तरफा एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलील जारी रखने की हिदायत। जस्टिस मकबूल बाकिर रिमार्क्स डिना तो यह कड़ी गाल है जो सीनियर जो एहतराम ही ना है। पंजाब भेरा चई चुको आया तो केस जल्द खत्म कयो। बी धुर के भी वक्त घट होजन बाबत आगाह किया है। जस्टिस सजाद अली शाह चयो तो वकील आमिर रहमान लाए वक्त मुकरर कयो या केस दलील पूरा करन दियो। हर वकील के टोकींदा रहंदो तो आऊं उथी हलियो वेंदस। जस्टिस मकबूल बाकिर उथी हलियो वयो। जस्टिस काजी फायज तरफा गालहाइण की कोशिश ते जस्टिस मंजूर मलिक चयो तो काजी साहब तवांजी महरबानी वेही रहो हर कार्रवाई में मुदाखलत न कयो। अदालत केस की बुधनी सुभाणे तई मुलतवी करे छदी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आउं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस वठी अचूं, तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।